फर्स्टली विश यू वेरी हैप्पी टीचर्स डे ऑल ऑफ यू। बहुत से लोग आपको ज़िंदगी में कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं, पर सबसे ज़्यादा कौन सिखाता है? हमारे टीचर्स, हमारी माँ। और लाइफ में अगर ये लोग आपको सिखाने वाले अच्छे हैं, आपके पास आसपास के लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन मानिए सफलताएं आपके कदम चूमेंगे और आप जीवन में बहुत ही आगे बढ़ सकते हो। तो कभी भी जो आपको अच्छी चीज़ें सिखा रहा है, अच्छी बातें बता रहा है, आप हमेशा उनका दिल में एक रिस्पेक्ट रखनी है, क्योंकि लाइफ में हमारे धर्मों में, हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु। तो ये श्लोक आई थिंक सब ने सुना होगा, सब सबको पता होगा, लेकिन क्या वाकई में आप इन चीज़ों को अपने अपने अंदर उतारते हो? जैसे मैं आपको एक आज महाभारत की एक स्टोरी बताना चाहूँगी कि कर्ण बहुत ही परेशान उदास होता है अपने मृत्यु के आखिरी समय में। कर्ण बोलता है कि कृष्ण से कि मेरे साथ इतना बुरा हुआ, मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया, मुझे कोई अपना नहीं माना, मैं मित्र के साथ आया, मेरी संगत अच्छी नहीं थी। ऐसी बहुत सी बातें जो उसने बताई कि मुझे इतनी सब चीज़ें झेलनी पड़ी, चीज़ें करनी पड़ी। तो श्री कृष्ण ने उससे यही बोला कि मैं जन्म से पहले मैं जेल में पैदा हुआ, मुझे भी मेरे माँ बाप से अलग कर दिया गया, मुझे भी पाला किसी और ने। तो परिस्थितियाँ कभी भी आपकी दुश्मन नहीं है। ख़राब परिस्थितियों में भी एक इंसान भगवान बन गया, और एक इंसान की गलतियाँ ना होते हुए भी अपनी परिस्थिति में सही सोचने समझने का निर्णय नहीं ले पाया तो उसका विनाश हो गया। तो इसीलिए लाइफ में परिस्थितियाँ ख़राब होती हैं, बट वो आप डिसीज़न कैसा लेते हो, अच्छा लेते हो या बुरा लेते हो, ये आपके ऊपर है। तो वही परिस्थितियाँ ही आपकी असली गुरु होती हैं। अब आप उसमें अच्छे से काम करते हो, वो आपका सबसे अच्छी चीज़ें होती हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा।